नमस्कार, बुंदेलखंड न्यूज 24 में आप सभी का स्वागत है। मैं साहिबा बानो। चलिए रुक करते हैं झांसी की कुछ अहम खबरों का। झांसी विश्व साईं नाथ कृपालय संस्था व राष्ट्र शक्ति फाउंडेशन के तत्वधान में पंचकुइया तिराहे पर स्थित एक स्थानीय होटल में गरीब यतीम बेसहाराओं के 3 जोड़ों का विवाह सम्मेलन कराया, जिसमें वर वधु को क्रस्त जीवन में इस्तेमाल का समान उपहार स्वरूप भेंट दिया गया। संस्था के राष्ट्रीय अध्यक्ष जाहिद मंसूरी ने बताया कि उनकी संस्था विगत 4 वर्षों से लगातार इस तरह विवाह सम्मेलन करते चले आ रहे हैं। अब उनकी संस्था द्वारा लगभग 90 गरीब कन्याओं का विवाह करवा चुके हैं और आगे भी आयोजन करती रहेगी। इस अवसर पर 21 समाज सेवी व पत्रकारों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि MLC प्रतिनिधि RP निरंजन ने कहा कि विवाह मात्र एक विवाह का आयोजन भर नहीं है, परंतु इसके प्रभाव व समाज हित में लाभ बड़े दूरगामी हैं। किसी कमजोर जरूरतमंद या असहाय परिवार की कन्या का विवाह कराने से बढ़कर कोई अन्य पुनीत कार्य नहीं है। सपा महानगर अध्यक्ष तनवीर आलम प्रशासनीय बात यह भी है कि अब इन सामूहिक वैवाहिक कार्यक्रमों में अपेक्षाकृत अच्छी संख्या देखी जा रही है। ऐसी शादियां कराने पर समय की बर्बादी, दान दहेज व फिजूल खर्ची जैसी कुरीतियों से भी समाज को मुक्ति मिल सकती है, लेकिन इसके लिए जरूरी है कि समाज का बड़ा वर्ग भी इसमें सम्मिलित हो। जरूरतमंद व कमजोर परिवार अपनी नजरों में हीन व हास का पात्र न महसूस करे। इस अवसर पर दीपांकर यादव, मून भैया, एडवोकेट सिद्दीकी खान, अमित कुशवाहा, दीपाली गायकवाड़, हाजी अशफाक कुरेशी आदि मौजूद रहे। झांसी से संवाददाता मनीष अली के साथ ब्रजेश परिहार की रिपोर्ट। गरीब कन्याएं जिनका विवाह हो रहा है एक संस्था के द्वारा, उस विषय में आप क्या कहना चाहेंगे? हालांकि मेरे लिए बड़ी सौभाग्य की बात है कि मुझे इसी उम्र में मुझे इतने बड़े प्रोग्राम में आने का मौका मिला मुख्य अतिथि के रूप में, और साथ ही मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने मुझे बुलाया है। यतीम यतीम बेसहारा शादी के समाज सेवी के लिए आप क्या कहेंगे? कार्यक्रम के आयोजन को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आज मैं यहाँ पर मैंने देखा कि यहाँ पर कुछ थोड़े मुसलमान भी हैं, कुछ थोड़े हिंदू भी हैं, तो ये बहुत बड़ी मिसाल है, क्योंकि झांसी हमारी सामाजिक एकता के लिए और हिंदू मुस्लिम एकता के लिए जानी जाती है। जब 1857 की लड़ाई में झांसी की लड़ाई लड़ रही थी, तो कंधे से कंधा मिला के गुलाम गौस था हमले पर चोट इसलिए बरसा रहे थे। तो आज यहाँ के आयोजन ने ये सिद्ध कर दिया है कि झांसी हमारी हिंदू मुस्लिम का एकता का प्रतीक है। और मैं ये भी कहना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में कार्यक्रम होते रहें, इससे समाज में और मिलाव बढ़ता है और गरीब बच्चियों को भी आगे उन्हें हाथ पाया है। और मैं ये चाहता हूँ कि और इस तरह के जोड़े और निकाहों का आयोग करके गरीब बच्चों की मदद करने का दफर, इसे बहुत बहुत धन्यवाद।